एक बात अपने जीवन में सदा उतार करो, घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें यह बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला है। जैसे शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ता है। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है शनि कथा में, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग फैशन, उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहे, हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ, जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा उनके, पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज, जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है, लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं, अरे पानी ले जाओ सीओर से, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा, जहां कुंडा निवास कर रही है और पूछे तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी मां को जरूर देखना एक बार, वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई मुझे जरूर फोन कर बताना। बूढ़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है और बहुओं की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जाती है। सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुण पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है रोग बीमारी कष्ट तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए, घर के अंदर उतना बढ़ गया। एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो, जरूरी है। कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास तो तेरा क्या होगा जी, आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें। कालिया क्या होगा विचार तो करो, देह पड़ी रे जाए यहीं पर फिर कुंडल और नगीना, या हरि नाम नहीं तो जीना। हमारे हर एक वीडियो से अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में शिव पुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को माँ जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा को, ए अन्नपूर्णे तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस ग्रह पर एक स्त्री बेटी कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी, रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पर खड़े हो के आप भोजन बना लो, मोटा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। श्रीमद भागवत कथा कह रही है तुलसी का मात्र, तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें, बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें,
और सात या तीन कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर भी। और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शनि कथा सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आपको मालूम पहचान हो जाता है। महाराज तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आई, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है। और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो, फलित तो हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड़ लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का आप नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उसे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए। और उससे जब तुम्हारा कोई संबंध रहेगा, उससे जब तुम्हारी कोई रिश्तेदारी रहेगी, तो उस रिश्तेदारी में जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए जाते ही आप कहोगे कि कृष्ण से मेरा ये संबंध है, वो मेरा पुत्र, वो मेरा भाई, वो मेरा बेटा, वो मेरा सगा, वो मेरा रिश्तेदार, वो मेरा कुटुंबी, वो मेरा पुत्र। जब कहोगे तो तुरंत प्रवेश हो जाए महाराज, भगवान से संबंध होना रहता है। कई लोग भगवान को सवेरे से रिझाने बैठते हैं तो भगवान को बनी बनाई बात कहते हैं, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये स्तुति कर लो, सारा बना बनाया। तुमने अपने दिल से कौन सी स्तुति गाई? तुमने अपने दिल से कौन सा भगवान को निवेदन करा, कौन सा नमन करा? बस सवेरे उठना है, नहाना है, भगवान के सामने जाना है, भगवान को नहलाना है, कपड़े पहनाना है, अगरबत्ती लगाना है, थोड़ा सा शक्कर का भोग लगाना। इतने सारे देवी देवता, शंकर जी, राम जी, गणेश जी, सारे देवता, और दो खुरमा लेके आए, दो एक बालूशाही लेके, दो मठरी लेकर आ गए, एक मठरी लेकर आ गए, और भगवान को इतनी सी कटोरी में रख दी। अब बोले, कई लोगों से पूछा, इतनी सी कटोरी में एक मठरी, एक खुरमा, और रोज मठरी खुरमा एक साथ नहीं रखती, वो तो आज दिन मठरी का भोग लगा दिया, कल खुरमे का लगाया, परसों गुजिया का, परसों पपड़िया का, तो डब्बे में भरे भराए रखे रख दिया, और एक लड्डू रोज लगा देगी इतना बड़ा। तो पूछा, इतना सा लड्डू और इतने सारे भगवान कैसे खाते होंगे? तो ये भाव से। तो हमने कहा, तुम भगवान को क्यों? बहुत दुख है गुरु जी, बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट है जिसका वर्णन है, इतना बड़ा परिवार, इतना सा पैसा आता है घर में, कहां रहे? तो मैंने कहा, भगवान के भाव से, जैसे तुम भाव से इतने सारे देवता को इतना सा लड्डू देते हो, भगवान भी तुम्हारे इतने बड़े परिवार में इतना सा धन देता है भाव से। निर्मल मन सो मोहि पावे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इतनी चतुर माताएं भोग भी लगाएगी, घंटी भी हिलाएगी, जल भी छोड़ेगी, और तुरंत तुम लड्डू उठा के बच्चों को भी बांट देगी। 5 मिनट नहीं खाने दे भगवान को, 5 मिनट। अच्छा, शंकर जी सोच रहे थे कि पहले गणेश जी खा ले, इसके बाद मैं ले लूंगा। गणेश जी, शंकर भगवान ने पाया तो राम जी सोचा, अभी मैं भी पा लूंगा, अभी थोड़ी देर एक एक करके खाएंगे, इतना लड्डू है तो धीरे धीरे कटोरी खसकाएंगे फिर खाएंगे। अभी इधर शंकर जी बैठे, इधर राम जी, इधर कुल देवी, इधर देवता, इधर पितर देवता, इधर ये देवता, हमारे घर के मंदिर में देखना सारा देव देता, यहाँ तक भगवान, तो यहाँ स्वामी समर्थ देव, तो यहाँ पर ये देव, तो वो पांडुरंगा, तो हरि विठ्ठल, तो वो देवी आई माता, तो सब दूर होते। अब ये कटोरी खसकती खसकती उधर जाए तो आधा एक घंटा तो लगे, इतना सारा देवता खाने में लड्डू, एक कोई 2-4 कटोरी होती तो बांट लेते। अब एक लड्डू इतना सारा देवता में जाने में तो दो समय तो लगेगा, और मालूम पड़े सब इंतजार में, लड्डू के इंतजार में बैठे। आज तो अच्छा हुआ मठरी की जगह लड्डू लाई हो, और इतनी देर में आरती कर कुरा के पानी फेर के वो तो लड्डू भी ले गई साथ, दिल के अरमा आंसुओं में भेज गए सब तरह की तरह। भाव से रिझा रही भगवान, भाव से। तो भगवान से पूछा, इतने प्रेम से रिझा रही है, तुम्हें कैसा लग? भगवान बोले, भाव को छोड़ो, इसका भा अलग है, वाह अलग है, कैसे रिझा? हे भगवान, खूब प्रेम से रिझाने का प्रयास कर, निवेदन, आज से एक नियम बनाओ, आज से एक निवेदन करो, एक नियम बनाना कि भगवान को केवल काम जैसा यूज मत करो, कि सुबह से उठकर जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, रोटी बनाना है, चौके का पोछा लगाना है, बच्चों के कपड़े धोना है, उसी तरह भगवान की सेवा को भी लोगों ने काम जोड़ रखा है।
कि इतने बजे उठकर मुझे जाना है, मंदिर में बैठना, अगरबत्ती लगाना, दियावती लगाना, कुंकू चावल लगाना, स्नान कराना, कपड़े पहनाना और लड्डू रखना, मट्टी रखना, भोग लगाना, आरती करना और लेकर। ये भगवान को काम जैसा मत जोड़ो। जैसे घर में कपड़े धोते हो, बर्तन मांजते हो, झाड़ू लगाते हो, रोटी बनाते हो, उसी तरह तुमने भगवान की सेवा को मात्र काम जैसा जोड़ रखा कि मुझे ये करना है, मुझे ये, अर्थात इसको काम नहीं, भगवान की सेवा को दिल से जोड़ो। जितनी देर भगवान के सामने बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल लगना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।